हेलो गाइस, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको लिवर फैटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो शायद आपने आज से पहले YouTube पर भी कभी नहीं देखे होंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही है तो हमारे लिवर में भी गर्मी ज्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से कई बार हमारा ठंड में खाया हुआ भोजन जैसे कि गिरी, अखरोट या बादाम वगैरह, या कुछ लोग ठंड में चिकन वगैरह कुछ ज्यादा खा लेते हैं, मछली वगैरह, तो उनका गर्मियों में लिवर फैटी मोस्टली हो ही जाता है। उस चीज को ठीक करने के लिए हम आज आपके लिए लेकर आए एक ऐसा उपाय जो आपको सिर्फ 10 या 15 दिन में बिल्कुल ठीक कर देगा, यानी कि आपका लिवर फैटी नॉर्मल हो जाएगा, वो भी सिर्फ 10 से 12 दिनों के बीच में। गाइस, आपको बता दूं कि लिवर फैटी दो तरह का होता है, एक होता है अल्कोहलिक और एक होता है नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक वर्ड से आप शायद समझ ही गए होंगे कि कुछ लोग अल्कोहल यानी कि शराब वगैरह का सेवन बहुत ही ज्यादा करते हैं और उनका भी लिवर फैटी हो जाता है, वो प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए शायद 20 से 25 दिन लग जाएं। लेकिन कुछ लोगों का नॉन अल्कोहलिक होता है, जैसे कि गर्म चीजें कुछ ज्यादा खा लेते हैं, जहां ऑयली या फास्ट फूड ज्यादा खा लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारे लिवर फैटी हो जाता है, यानी कि ओटीपीटी बहुत ही बढ़ जाता है। वो तो 10 से 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के ओटीपीटी लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आजकल फल फ्रूट को छोड़कर कुरकुरे, चिप्स या ऑयली फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही हानिकारक है, जो शायद उनको नहीं पता क्योंकि वो बच्चे हैं। लेकिन बच्चों के पेरेंट्स जो सब कुछ जानते हुए भी उनको ये खाने के लिए देते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बुरी बात है। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 साल की उम्र से बड़ों की। जो आज की वीडियो में सोल्यूशन बताया जाएगा वो सिर्फ प्लीज 12 साल की उम्र के बड़े लोग ही यूज करें। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि इन दिनों लोग फास्ट फूड खाना बहुत ही पसंद करते हैं और ऑयली फूड भी बहुत ही ज्यादा खाते हैं, जिनमें मिर्ची मसाला और तेल वगैरह का यूज ज्यादा किया जाता है। इसकी वजह से हमारा कभी कभी लिवर फैटी हो जाता है और हमारा ओटीपीटी बढ़ने लगता है। दोस्तों, अगर किसी का ओटीपीटी लेवल बढ़ता है तो उसके पेट में दर्द, पेट में सूजन या उल्टी का मन या खाना खाने के बाद बदहजमी की प्रॉब्लम आ सकती है। गाइस, जब भी आप अपने डॉक्टर के पास इस प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं तो वो अपने हिसाब से आपको कंसल्ट करता है। मार्केट में भी आपको बहुत सारी ब्रांड्स के लिवर सिर्फ देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। उनमें से एक है अल्ट्रालिव CF। इसका रिजल्ट भी गाइस बहुत ही बढ़िया है। मेडिसिन के साथ दो दो चम्मच आप सुबह शाम लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और मार्केट में सबसे फेमस प्रोडक्ट जो शायद हर एक आदमी को पता है, वो है हिमालय का लिव 52। इसका रिजल्ट भी गाइस बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा आता है लिवोसिस 6G सिरप यूनिसिस कंपनी का। इसका रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया है। ये लिवर के साथ साथ एंटासिड भी है, लिवर प्रोटेक्टिव भी है, एंजाइम और अल्केलाइजर, एंटी अल्कोहलिक, एंटी फ्लेचमेंट भी है। जब भी हम ये पीना शुरू करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है। लेकिन गाइस, आखिर में हम आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं वो है एमल कंपनी का एमिलकोट DS। जी हाँ, ये सिर्फ एमल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और इसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP है 269। दोस्तों, एमल कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गाइस, अगर आप बहुत समय से अपनी ओटीपीटी लेवल को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं तो इस एमिलकोट DS सिर्फ के दो दो चम्मच सुबह शाम लेने शुरू कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। तो गाइस, अब हम आपको बताते हैं कि इसके साथ आपको क्या करना होगा जिससे आपके ओटीपीटी लेवल सिर्फ 10 या 15 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाए। तो गाइस, अब मैं आपको एक आयुर्वेदिक नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिससे आपके ओटीपीटी लेवल सिर्फ 10 से 12 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनना इस नुस्खे को। सबसे पहले गाइस, आपको लेना है सूखा आलू बुखारा, वो भी 10 ग्राम। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद लेना है आपको 5 ग्राम धनिया और सबसे आखिर में आपको लेनी है 5 ग्राम मिश्री। इन तीनों को लेकर आपने एक मिट्टी का बर्तन लेना है और उसमें 1 ग्लास पानी डाल लेना है। ध्यान से सुनिएगा, आपने सूखा आलू बुखारा लेना है 10 ग्राम, मिश्री लेनी है 5 ग्राम और धनिया भी 5 ग्राम। इन तीनों चीजों को आपको मिट्टी के बर्तन में 1 ग्लास पानी डालकर उसमें डाल देना है और रात भर भिगो के रखना है। और सुबह होते ही जब आप उठेंगे तो ब्रश करने के बाद इस पानी को आपने अच्छे से छान लेना है और उसके बाद खाली पेट ही इसको पी लेना है। और ध्यान रखिएगा, इसको खाली पेट ही पीना है और इसके पीने के कम से कम 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। ये काम आपको 10 से 12 दिन करना पड़ेगा।
गाइस लेकिन आयुर्वेदिक नुस्खे के साथ साथ आपको एमल का जे सिर्फ एमली क्योर डीएस दो दो चम्मच सुबह शाम जरूर ही पीना है, क्योंकि अगर आप रिजल्ट बहुत ही बढ़िया जल्दी चाहते हैं तो इस आयुर्वेदिक नुस्खे के साथ आपको एमली क्योर डीएस सिर्फ भी पीना है, वो भी दो दो चम्मच सुबह शाम। इसका रिजल्ट देखने के लिए गाइस आपको अगर ओटीपीडी की प्रॉब्लम है आपको लैब से टेस्ट रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। अगर आपका ओटीपीडी लेवल बढ़ा हुआ है 10 से 12 दिन इस नुस्खे का उपयोग करने के बाद आप अपनी रिपोर्ट दोबारा करवा सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने होगा। लेकिन गाइस एक छोटी सी बात जान ले कि अगर किसी का लिवर फैटी अल्कोहलिक है उसके 20 से 25 दिन लग सकते हैं। साथ ही साथ गाइस जितने दिन ये दवा चलेगी उतने दिन आपको थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, जैसे कि फास्ट फूड, चिकन, ड्रिंक वगैरह का। तो गाइस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। गाइस अगर आपको किसी टॉपिक या किसी प्रॉब्लम पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, हम कमेंट सभी के जरूर पढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की और नई वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।